गाइस वेलकम टू पाकिस्तान रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो क्या है, अमेरिका ने दी भारत को स्पेशल छूट, आखिरकार अमेरिका झुका, मोदी मैजिक चला। मतलब मोदी जी का कोई जादू चल गया अमेरिका पे, और मतलब अमेरिका ने कोई बहुत बड़ी छूट दे दी है इंडिया को। अभी किस मामले में दी, अमेरिका मतलब इंडिया के सामने झुक गया है किस्म से, क्या हुआ ये सीन, पहले वीडियो हम देखेंगे, उसके बाद हमें सही से आइडिया होगा। नॉलेज इनसाइड का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं भाई हुआ क्या, काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों जिस तेजी से अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, उसी तेजी से उस पर सवालों की बौछारें पड़ रही है। पूरी दुनिया का मीडिया, पूरा विश्व अमेरिका से सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों व्हाइट हाउस के प्रतिबंध भारत पर एप्लीकेबल नहीं हो रहे। तुर्की जो कि नाटो का सदस्य होते हुए भी अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है रूस से S-400 लेने पर, वहीं पर भारत इसे लेता है तो US खामोश हो जाता है। रूस पर तेल गैस हथियार की खरीद पर एक तरफ अमेरिका सैंक्शन लगाता है तो दूसरी तरफ भारत 3 मिलियन क्रूड ऑयल की डील कर लेता है। साथ ही सुखोई विमान की खरीद पर भी बात करता है और आगे 15 मिलियन ऑयल और खरीदने पर विचार करता है। यही कारण है कि समय अमेरिका बेहद ज्यादा परेशान है भारत से, क्योंकि जाहिर है दुनिया अमेरिका से सवाल तो पूछेगी ही कि भारत पर आपके सैंक्शन का असर क्यों नहीं पड़ता। यहां तक कि यह सवाल चीनी थिंक टैंक भी उठा रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड पावर अपने आप को कहने वाला अमेरिका भारत के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। चीन की तरफ से ऐसी बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि जब चीन ने अभी हाल ही में रूस से व्यापार जारी रखने की कोशिश की तो अमेरिका ने उसे पकड़ लिया और उस पर भी सैंक्शन की धमकी दे डाली। साथ ही 6 घंटे तक उससे मीटिंग की, जिस वजह से चीन अब रूस को लेकर ज्यादा उछल नहीं रहा। कारण यह है कि अमेरिकी सैंक्शन का असर रूस पर भले ही ज्यादा ना पड़ा हो और किसी तरह रूस अपने आप को बैलेंस कर रहा है, लेकिन अगर अमेरिका ने चीन पर सैंक्शन लगा दिए तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, क्योंकि चीन की पूरी दुनिया में कई परियोजना विभिन्न देशों में चल रही है। जाहिर है इस तरह का भेदभाव सैंक्शन को लेकर अमेरिका की तरफ से दिखेगा तो उससे सवाल तो पूछे जाएंगे। यही वजह है कि 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को लेकर तल्ख टिप्पणी कर डाली थी और कहा था कि भारत को छोड़कर बाकी तीनों क्वाड देश खुलकर रूस का विरोध करते हैं, भारत का रुख डामाडोल है। ये भारत को लेकर इस तरह का पहला बयान बाइडेन की तरफ से दिया गया था। इसी बयान के बाद भारत में हलचल तेज हो गई और पिछले 3 दिनों के अंदर 3 प्रधानमंत्री से मोदी जी ने डायरेक्ट बात की, जिसके बाद अमेरिका को अपने सुर बदलने पड़े। पहले जापान के प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात हुई और भारत और जापान के ज्वाइंट स्टेटमेंट में जापान की तरफ से कहा गया कि हम भारत का पक्ष अच्छे से समझते हैं और हम भारत के रुख के साथ हैं। यहां अमेरिका को पहला झटका लगा। इसके बाद पीएम मोदी की डायरेक्ट बात स्कॉट मॉरिसन यानी कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से हुई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी ये साफ कह दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया भारत की दुविधा को समझता है और हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। जिस तरह से बाइडेन ने कहा था कि भारत को छोड़कर हम तीनों देश एक ही पेज पर हैं, लेकिन 2 दिन में भारत ने पासा पलट दिया और अमेरिका को छोड़कर दोनों देश भारत के रुख का समर्थन करते हुए दिखाई दिए हैं और बड़े स्टेटमेंट इनकी तरफ से दिए गए हैं। लेकिन पीएम मोदी ने इसके बाद कल अमेरिका के सबसे बड़े अलायन यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी कॉल पर बात की। यहां पर भी जो बात हुई थी वो यूक्रेन और रशिया के मुद्दे पर हुई है। पीएम मोदी ने यहां पर यूके के प्रधानमंत्री को भी अपनी सिचुएशन बताई और अपना रुख क्लियर किया और बताया कि किस तरह से भारत ह्यूमैनिटेरियन मदद यूक्रेन में पहुंचा रहा है। साथ ही भारत चाहता है कि बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाए। इस तरह से भारत ने अपनी कूटनीति से एक बार फिर से US पर दबाव डाला है, जिसके बाद अमेरिका को अपने सुर बदलने पड़े और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा है कि साझा हितों को देखते हुए अमेरिका अभी भी भारत का सहयोगी है और एशिया प्रशांत क्षेत्र को लेकर दोनों के साझा हित हैं। उन्होंने कहा भारत और अमेरिका में गहरे संबंध है। अगर ऐतिहासिक रिश्तों को अलग करके देखा जाए तो अमेरिका भारत के लिए पार्टनर ऑफ चॉइस है। किस तरह से भारत को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब नेट प्राइस ने दिया, देखिए इस छोटी सी क्लिप में। We know that India is an essential partner for us in realizing our shared vision of a free and open Indo-Pacific. That is really at the heart of the Quad's goal. India has, of course, had a historic defense and security relationship with Russia over time. That relationship came of age and came together at a time when the United States nor some of our partners were prepared to have that kind of relationship with India. Very different time, different considerations, but those times have changed. They've changed in terms of
our willingness and ability to be a strong defense and security partner of India. This is a bilateral relationship that has deepened in a number of ways over the past 25 years or so. This has also happened on a bipartisan basis. So the fact is that we are a partner of India now. We are a partner of India when it comes to the values we share in a free and open Indo-Pacific, and we've invested in that relationship in terms of our defense and security. So historical relationships notwithstanding, we are a partner of choice for India now, as are many of our partners and allies around the world. दोस्तों, इससे ये साफ जाहिर होता है कि भारत की डिप्लोमेसी को चैलेंज करना ये यूएस के हित में नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि आने वाले समय में जैसे जैसे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ेगी, भारत के लिए उन सर्कमस्टांसिस में दोनों तरफ बैलेंस करके चलना आसान नहीं होगा। ये शुरुआत है, लेकिन आगे और भी समस्या भारत के लिए खड़ी होने वाली है। लेकिन अभी तक कमाल की कूटनीति पेश की है भारत ने और रूस और अमेरिका को बैलेंस किया हुआ है। साथ ही प्रतिबंधों के बावजूद भारत का व्यापार जारी है। वहीं इस विषय में आपका क्या विचार है कि क्या भारत को आगे चलकर किसी एक देश को चुनना पड़ेगा या भारत दोनों को बैलेंस करने में कामयाब हो जाएगा? रूस में किसी एक को चुनना पड़े चीन का फैक्टर भी ध्यान में रखकर, तो वो कौन होगा? कमेंट में जरूर बताएं और आने वाले डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी खत्म। गाइस, आप लोग भी हमें ये चीज लाजमी बताना कि भारत किसको चुने। चीन के फैक्टर देखकर अगर रशिया से और अमेरिका से अगर भारत चीन से समझौता हो जाता है ना, हाँ, तो मेरे लिहाज से भारत को रशिया ही चुनना चाहिए, हाँ। बाकी मैं भी और भाई मैं दूसरी बात आपको एक प्यारी सी बात बताने लगा हूँ। देखो, मजे की बात यहाँ पर आती है जब अमेरिका कहता है पूरी दुनिया को पेट्रोल न लो, तुर्की एक वेपन ले ले तुर्की की मार के रख देता है, मतलब इंडिया वो अमेरिका, हाँ, और इंडिया वो वेपन ले, इंडिया को कुछ कह ही नहीं सकता यार इसमें। हाँ भाई, इसकी मैं एक बात, अमेरिका कहता है पेट्रोल ना लो इससे, हाँ, उसी से अगले दिन इंडिया पेट्रोल ले लेता है। अमेरिका भी एयरक्राफ्ट ना लो, एयरक्राफ्ट, मतलब अमेरिका जो कहता है इंडिया उसको उल्टा करता है। फिर भी देखो अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है। वैसे मैं एक बात बोलूं, हाँ, देखो तुर्की में और इंडिया में बहुत जमीन, हाँ, आसमान का फर्क है यार। देखो फॉरेन पॉलिसी देख लो, हाँ, तुर्की की देख लो, इंडिया की देख लो, उसके बाद पूरी दुनिया में जो माल सप्लाई करता है, इंडिया को देख लो, तुर्की को देख लो, मतलब इस मामले में देखा जाए ना। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुर्की को इस टाइम तुम्हें मैं एक बात बताऊं, हर मामले में तुर्की से इंडिया बहुत आगे। फिर भाई वो उन्होंने स्टेटमेंट भी दिए भाई स्टेटमेंट। अच्छा, मजे की बात तुम्हें बताऊं, अमेरिका कुछ बात करता है इसके साथ जो इनके, उसके बाद जापान बोल पड़ा, जापान क्वालिटी बोल पड़ा, क्वालिटी बोल पड़ता है। तीन चार दिन पहले बाइडन ने बोला था मतलब इंडिया शेकी हो रहा है ना, शेकी हो रहा है। उसी से अगले दिन स्कॉट मॉरिसन मतलब ऑस्ट्रेलिया और जापान के बंदों ने बोल दिया कि हम इंडिया का स्टैंड समझ, उधर ही मारी गई अमेरिका। अभी बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन भी बोल गए हम इंडिया का स्टैंड समझते हैं। फ्रांस भी बोल रहा है, अब अमेरिका, अब अमेरिका भी लाइक अभी अमेरिका भी बोल रहा होगा यार वो बोल, वो यही बोलता होगा किसको मैंने कुछ बोल दिया यार, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सही बात है, इंडिया अमेरिका की इस टाइम एक किस्म की मजबूरी बन गई है चाइना की वजह से, वरना इंडिया इंडिया का जो मतलब अभी पार्टनरशिप फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो गया हर कंट्री से जा रही है इंडिया, वाकई में कहाँ कहाँ छेड़ेगा इंडिया। सही बोला है, सही बोला है तुमने। गाइस, आप लोग इस पे क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।